10 जुलाई को मतदान हुआ था, बीजेपी के उम्मीदवार है कमलेश शाह, कांग्रेस के उम्मीदवार धीरन शाह, और अभी मौजूदा समय में काउंटिंग लगातार जारी है। कमलेश शाह बढ़त बनाए हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा अब इंतजार और करना होगा, 1:30 बजे तक जो है तस्वीरें साफ होने वाली हैं कि आखिर किसने अमरवाड़ा के रण को फतह किया है। रुझानों में बीजेपी ने बढ़त बनाई है, बहुत बड़ी खबर। उपचुनाव की जो काउंटिंग है वो चल रही है। अमरवाड़ा में 10 जुलाई को मतदान हुआ था और आज मतगणना है, मतगणना चल रही है, काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग में बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के कमलेश शाह। राजेश करमेले संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अभी मौजूदा समय में बीजेपी के कमलेश शाह जो हैं वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, इस वक्त वहां क्या हलचल और क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं धीरे धीरे? देखिए, अभी जो है मतगणना शुरू हुई है। हाँ। पहले राउंड जो है वो लगभग समाप्ति पे है, पहले राउंड की गणना शुरू हो चुकी है। जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें तकरीबन 1700 वोटों से कमलेश शाह बीजेपी के जो है वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेसी से हमारी बात हुई, जो कांग्रेसी एजेंट है, कांग्रेसी नेता है, उनका कहना है कि अभी पहला राउंड है, धैर्य रखिए, अभी थोड़ा सा आगे और चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन बीजेपी जरूर आश्वस्त है। बीजेपी का कहना ठीक है, हर कोई अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। रुझानों में बीजेपी ने बढ़त भी बनाई है, लेकिन इंतजार अभी करना होगा, जब रुझान नतीजों में तब्दील होंगे उस वक्त की तस्वीर भी देखने वाली होगी। राजेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, नजारा भी दिखाइए अपने आसपास, किस तरह की हलचल है, और क्योंकि कमलेश शाह बढ़त बनाए हुए हैं तो अभी इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है? ये देखिए, अभी कमलेश शाह पहले राउंड में बढ़त बनाए हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं, अभी फिलहाल यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि कैमरा घुमाए, अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हलचल की स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी बीजेपी और कांग्रेस के लोग यहाँ आने बाकी हैं। अभी वो जो एजेंट है वो मौजूद हैं, नेता जरूर यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अभी शुरुआत हो चुकी है, ये लीड लगातार बढ़ेगी और वो बेहद आश्वस्त है। कांग्रेस ही जरूर मायूस नजर आ रहे हैं, यहाँ पर तो घूम रहे हैं, हालांकि उन्हें उम्मीद है कि जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे वैसे वैसे कहीं ना कहीं वो बढ़त की ओर बढ़ जाएंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जो उम्मीद थी कि वोट काटेगी, लेकिन वो अभी फिलहाल उस स्थिति में नजर नहीं आ रही है। पहले राउंड के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा वोट गोंडवाना को मिले नहीं। जी बिल्कुल, अब इंतजार करना होगा कि आखिर और भी राउंड्स हों, धीरे धीरे और पता चले। लेकिन एक बार दर्शकों को भी हम बता देते हैं किस किस के बीच मुकाबला, किसने कहां से चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारे हैं। कमलेश शाह जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, इसके अलावा धीरन शाह कांग्रेस के कैंडिडेट, और देव रावेन जो है वो जीजीपी के कैंडिडेट। यहाँ की राजनीति को अगर समझना चाहे राजेश, तो फिर कैसे समझा जाए? अहम क्या है, मुद्दे क्या हैं, जनता क्या सब समझती है, जानती है, और भले ही पार्टी बदल जाए लेकिन चेहरा बरकरार रहता है क्या जनता के दिल में? देखिए, ये जो अमरवाड़ा का विधानसभा इलाका है, पूरा आदिवासी बाहुल्य इलाका है, यहाँ पर राजनीति लगातार कांग्रेस ने की है। एक आध बार ऐसा हुआ है जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जो मनमोहन शाह बट्टी रहे, वो उन्होंने जीत दर्ज कराई, लेकिन उसके बाद से लगातार कांग्रेस काबिज रही है। यहाँ पर विकास का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, पिछड़ा इलाका है, पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है, और लोगों का ये भी कहना है ग्रामीणों का कि ये समस्याएँ जो है ये मूलभूत समस्याएँ हैं, इसको हल करना बहुत ज़रूरी है। लगातार इसकी मांग उठाई जाती रही है। कमलेश शाह लंबे समय से यहाँ विधायक रहे हैं, उनके पास भी मांग रखी गई थी, लेकिन अब कमलेश शाह जब बीजेपी में आए हैं तो उनका कहना है कि अब वो विकास करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में जब थे तब उनका वो सरकार नहीं थी जिसकी वजह से वो विकास नहीं कर पाए थे, उन्हें उम्मीद है, और इसी बात को लेकर के वो अमरवाड़ा की जनता के पास गए हैं। उधर कांग्रेस अपने तरीके से जा रही है, धार्मिक जो भावनाएं हैं उसको लेकर के गई है कि जो आंचलकुंड दरबार है उनसे आदिवासी जुड़े हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी उसको लेकर मैदान में गई। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दोनों में कौन बाजी मारेगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए राजेश। तो फिलहाल जो पहला राउंड है, पहले राउंड की अगर काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग का सिलसिला चल रहा है, और
पहला राउंड जिसमें कि कमलेश शाह बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इंतजार अभी करना होगा, भी और कई राउंड्स की काउंटिंग होगी, उसके बाद ही जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होंगे।